दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए 5 ऐसे आहार टिप्स हैं जिससे आपके मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएंगे और इस गर्मी में पेट की चर्बी भी कम कर देगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सर्दियों में चयापचय में गिरावट आती है जिससे वजन कम करना मुश्किल हो जाता है। आप सर्दियों में भी अधिक तरसते हैं क्योंकि यह आपके शरीर का तंत्र आपको गर्म रखने और कठोर मौसम के खिलाफ ईंधन देने के लिए है। गर्मियों में अतिरिक्त वजन को खोने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो अतिरिक्त वजन को कम करने के लिए बहुत सा उपाय है। आप धूप में बाहर हैं, जो विटामिन डी वजन को घटाने में काफ़ी मददगार है। आप गर्मियों में शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय होते हैं और गर्मियों में बहुत सारे फल सब्जियाँ होती हैं, आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। कुछ ऐसे फूड है जो प्राकृतिक रूप से चयापचय को बढ़ाने और वजन घटाने में सहायक करती है। इसमें पहले नंबर पे है तरल पदार्थों का खूब सेवन करें। गर्मियों में हाइड्रेटेड रहना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप गर्मियों में बहुत पसीना बहाते हैं, इसलिए आप बहुत सारे पानी को खो देते हैं, इसलिए आपको समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए। अगर आप पानी सादा स्वाद आपको नीरस लगता है तो आप अन्य हाइड्रेटेड पेय भी ले सकते हैं, जिसमें आम का पन्ना, नारियल पानी, जल जीरा और नींबू पानी। यदि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं तो आप अधिक समय तक भरे रहेंगे। यदि आप पूर्ण महसूस कर रहे हैं तो आपको द्विधातुमान होने की संभावना कम है। पानी पीने से पाचन में सहायता मिलती है। सेकेंड नंबर पे है जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, वो है मौसमी फलों और सब्जियों का सेवन करें। गर्मियों में फलों और सब्जियों से भरा होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो वजन घटाने के लिए जाने जाते हैं। फलों के बीच आपको सभी गर्मियों के खरबूजे, कैटालूप, तरबूज, कस्तूरी तरबूज के लिए जगह बनानी चाहिए। सब्जियों में लौकी और करेला जैसी सब्जियों का खूब सेवन किया जाता है। इस मौसम में खीरा एक अच्छा कम कैलोरी स्नैक बनाता है, जिसे आप अपने आहार में शामिल कीजिए। तीसरा है अधिक से अधिक प्रोबायोटिक का उपयोग करें। सुनिश्चित करें आप अपने आहार को प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स जैसे दही और किमची से भर दें। वे आपके आंत के लिए अच्छे हैं, वे हल्के हैं और आसानी से पचने वाले हैं। दही आपको ठंडा रखने में मदद करता है और प्रोटीन, विटामिन डी और कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। हम चौथे नंबर पे है, आप अपने रात के खाने को हल्का रखें। अपने डिनर को हल्का रखने के लिए एक अच्छा उपाय है, आप इसमें सूप, सलाद, ग्रिल्ड फूड शामिल करिए। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। खराब पाचन उन्मूलन की प्रक्रिया को बाधित करता है, जो चयापचय पर एक टोल होता है। एक स्वस्थ पाचन वजन घटाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पांचवें नंबर पे गहरे तले और खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए और अधिक उबले हुए, ग्रिल्ड और भुने हुए खाद्य पदार्थों को खाएं। तैलीय खाद्य पदार्थ पचाने में मुश्किल होते हैं और कई अतिरिक्त कैलोरी से भी भरे होते हैं, जो वसा के रूप में जम जाते हैं। तो आप इन 5 आहार के जरिए गर्मियों में अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर रख सकते हैं।